आज हम दो पके आम की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सिर्फ दो आम से ये बनके तैयार हुई है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो आम लिए हैं, और आम जो जिसमें बहुत सारा पल्क रहता है वही लिया है। तो ये देखिए, पहले से मैंने दो आम छील के रख लिए हैं। तो अब मिक्सर जार में डाल के इनको हम पीसेंगे। तो इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो सभी आम मिक्सर जार में डाल दिए हैं, और इसके बाद इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच। तो अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें का अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो अभी मैंने एक तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, आप कढ़ाई की जगह पर पैन भी ले सकते हैं। तो अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, और घी को मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए, घी मेल्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो आम के पल्क को पेस्ट बना के रखा है, पेस्ट को इसी में ऐड कर देंगे। तो अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आम और मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो सभी पल्कों को मिक्सर जार से निकाल के इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसको हम बिना हाथ रोक के बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर ये कढ़ाई में बहुत जल्दी चिपक जाएगा। और गैस को मीडियम रखेंगे, नहीं तो फिर बहुत जल्दी चिपकने लगता है। तो इसमें अब हम 2 छोटी इलायची कूट के ली है, तो छोटी इलायची डाल देते हैं। अगर आप लोगों को छोटी इलायची नहीं पसंद है तो इसको हटा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जितना मिल्क पाउडर लिया है उतनी ही चीनी है, तो चीनी और मिल्क पाउडर बराबर ली है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो इसलिए दोनों चीज़ें बराबर ली हैं। अगर आप लोग मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ चीनी डाल सकते हैं, तो चीनी की मात्रा बढ़ा दें फिर। तो ये देखिए, चीनी को साथ में अच्छे से मिला दिया है, और इसको हम बराबर इसी तरह चलाते रहेंगे बिना हाथ रोके। और इसको लगभग 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसी तरह इसको बराबर चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, लगभग ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो इसी तरह इसको बराबर चलाते रहेंगे, और ये धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा और बेटर बर्फी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो ये लगभग ये तैयार हो गया है सेट होने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि सेट होने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको हाथ में लेंगे, और ये अगर हाथ में नहीं चिपकता है तो ये अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये देखिए, तो इसको हम 2-3 मिनट और इसको थोड़ा सा चला देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो 2-3 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिया है, ठंडा होने देते हैं। तब तक एक थाली ली है, उसमें घी लगा दिया है ताकि अच्छे से छूट जाए। तो इसी थाली में हम जमाएंगे। तो सारे आम के पल्क को इसी में डाल देते हैं, और ये देखिए, अब इसको हम सेट कर देते हैं। तो इसको हम चौकोर सेट करेंगे, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सेट कर दिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो उसके बाद ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो ये देखिए, अच्छे से जम गई है। अगर आप लोग
फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, अच्छे से जम जाएगी। तो इसको हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो ये देखिए, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं जो जैसे आपको पसंद है। तो ये देखिए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। अगर बाहर रख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जमने में, एक घंटा भी लग सकता है। तो ये देखिए, मैं काट के दिखा रही हूँ आपको कि आम की बर्फी कैसी बनी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। देखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में तो वैसे भी स्वादिष्ट होगी क्योंकि आम बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, आम सबको पसंद है, तो इसलिए ये बर्फी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बहुत उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और बहुत कम समय में बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए, इसको इस तरह से चाकू की मदद से इसको निकाल लेती हूँ, और ये देखिए अच्छे से निकल आई है। तो ये देखिए, बर्फी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बर्फी बन के तैयार होती है, खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये सिर्फ दो आम से इतनी सारी बर्फी बन के तैयार हुई है, तो फिर किस बात की देरी, फटाफट से जुट जाइए बनाने में, और बहुत स्वादिष्ट बर्फी बनती है और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। और आम का सीज़न भी चल रहा है, नहीं फिर आम का सीज़न निकल जाएगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि मैंने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। और उम्मीद है ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।